हेलो गाइस, वेलकम टू इटर्निटी क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज DBMS। DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस के बारे में जानने से पहले हम कुछ टॉपिक्स है जिसे कवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इज सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू मैनेज द डेटाबेस। किसी भी डेटा को मैनेज करने से पहले उसे कैसे मैनेज करना है, किस प्रकार से मैनेज करना है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। उसे हम लोग सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होता है, जस्ट लाइक MySQL और Oracle, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, एनी थिंग इन द वर्ल्ड कुड डेटा। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज़ पूरा वर्ल्ड में कोई भी चीज़ एक डेटा है। एंड वी टेक अ सर्टेन डिसीजन, देन डेटा बिकम इन्फॉर्मेशन। और जब हम उस डेटा पे कुछ काम करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ उस पर वर्क करते हैं, तो वो डेटा बन जाता है हमारा इन्फॉर्मेशन। जस्ट लाइक अ बुक, बुक भी एक डेटा है। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स अगर हम उस टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो वो जो डेटा है बुक, वो उसे हमको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर होगा। तो उसे ही इसलिए ये डेफिनेशन में लिखा हुआ कि एनी थिंग इन द वर्ल्ड कुड डेटा एंड वी टेक अ सर्टेन डिसीजन देन डेटा बिकम इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग जानेंगे डेटाबेस क्या होता है। तो व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एंटिटी सेट। फॉर एग्जाम्पल, द कॉलेज डेटाबेस ऑर्गेनाइज द डेटा अबाउट द एडमिन स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। तो एक किसी भी कॉलेज में कुछ स्टाफ्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, फैकल्टीज और भी बहुत सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स होते हैं जिनका कुछ डेटा होता है, जिसे ऑर्गेनाइज के लिए और एक जगह ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग डेटाबेस का यूज़ करते हैं। यूजिंग डेटाबेस यू कैन ईजिली रिट्रीव, इंसर्ट एंड डिलीट द इंफॉर्मेशन। अगर हमारा डेटाबेस में जैसे स्टूडेंट का डेटा है, तो अगर हम उससे डेटा को इंसर्ट कुछ और एक्स्ट्रा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं, कुछ रिट्रीव करना चाहते हैं डेटा से रिट्रीव भी कर सकते हैं। फिर अगर हम किसी स्टूडेंट्स का या स्टाफ का डेटा को डिलीट करना है, तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। डेटाबेस समझने के बाद अब हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो DBMS इज अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू मैनेज द डेटाबेस। डेटाबेस जो है सॉफ्टवेयर में स्टोर किया जाता है, जैसे MySQL और Oracle और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें बहुत सारे डेटा को स्टोर किया जाता है। DBMS provides an interface to perform various operation, creating, storing data in it, updating data, creating a table to database and lot more। मतलब ये टॉपिक में ये बताया गया है कि डेटा को कैसे स्टोर करते हैं। जैसे कि हम जब डेटा को स्टोर करने जाते हैं, तो उसमें पहले हम लोग को कुछ क्रिएट करना पड़ता है डेटा को। तो उसका नाम क्या है? हम किसी स्टूडेंट का डेटा क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसका नाम रख दिए स्टूडेंट। फिर उसमें कुछ अपडेशन चाहिए उसको, फिर कुछ क्रिएट करने के लिए और भी कुछ सारे टॉपिक्स होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं डेटाबेस में जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस। और जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उनके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो हमें प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी भी देते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ मल्टीपल यूज़र, इट ऑल्सो मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी। और जब हम मल्टीपल यूजर्स के डेटा को स्टोर करते हैं, तो जो डेटाबेस होता है जैसे MySQL और Oracle, ये हमें मेंटेनेंस और डेटा कंसिस्टेंसी भी देता है।